मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के नूनफारा में पुलिया निर्माण कार्य के 6 महीना के अंदर ही अप्रोच ढहने की वजह से लोगों के बीच यातायात संकट उत्पन्न है। पैदल, साइकिल एवं बाइक सवार तो किसी तरीके से गाड़ी से उतरकर एवं धक्का मारकर पुलिया पार कर आते जाते भी हैं, लेकिन छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन इस होकर बाधित है। आपका सचिंदर राय, ये कौन सा जगह है ये जो पुलिया दिख रहा है जर्जर? नूनफारा हुआ सर। ये परेशानी नहीं होती आप लोगों की स्कूल पर चलते? की देखने किए हैं जो कैसे इस पर चढ़ना होता है। किस योजना से बना हुआ है? समिति की योजना था। कितना दिन पहले बना? बिल्कुल 6 महीना पहले बना होगा। 6 महीना में ही टूट गया? हाँ। तो क्वालिटी इसकी ठीक नहीं थी पुल की? वो देख रहे हैं ना कि बना करके गया टूट गया। तो ये जो पथ है कहाँ से कहाँ तक जाता है सर? नूनफारा से आपको गुदनपट्टी रोड में जाता है। रोड बना नहीं तो पुल यह बनाने का क्या उचित है? इतना पता नहीं है हमको ये कैसे। ये तो पंचायत समिति के कोटे से बना है। जी जी जी। हमको लगता है योजना के नाम पर लूट खसूट का प्लान किया गया था। बात तो वही होगा। ग्रामीणों के द्वारा विरोध भी हुआ था इसका क्या, कि क्वालिटी ठीक नहीं है? विरोध हुआ था सर, लेकिन असर उस पर नहीं हुआ कुछ। पैसा की निकासी तो हो गई होगी, वो तो भगवान जाने। जी, आप ग्रामीण हुए? ग्रामीण है, हम लोग क्या जाने जे पैसा निकला कि नहीं निकला। तो ये कहाँ कहाँ जाता है पथ? यहाँ से आप जारंग हाई नेशनल जी हाईवे पर हाईवे पर जा सकते हैं, जारंग मंदरा ब्लॉक जा सकते हैं हम इसी से जी। हम लोग नजदीक यही है, लेकिन जाना पड़ता है घूम करके बड़ियारपुर के जाते हैं हम लोग। हमको तो लगता है कि हल्की बारिश के बाद तो यहाँ और परेशानी बढ़ जाती है। बहुत पानी, दोनों का पानी था, एकदम साफ है इस पर पानी था। तो लोगों को टोले के निजी संपर्क सड़कों से होकर जाने की मजबूरी है। ग्रामीणों का आरोप है कि तकरीबन 6 महीने पहले ही यहां सष्टम राज्य वित्त आयोग योजना की राशि से पंचायत समिति सदस्य के कोटे से पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन निर्माण के समय में ही अप्रोच को ठीक ढंग से नहीं भरा गया था, लिहाजा निर्माण के कुछ महीने बाद से ही अप्रोच ढहता चला गया और गाड़ियों का परिचालन बाधित होते चले गए। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि यहाँ इस सड़क के निर्माण कार्य की मांग काफ़ी पहले से की जा रही है। पहले सड़क निर्माण की नितांत जरूरत थी, उसके बाद यहाँ पुलिया बनने चाहिए थे, लेकिन बिना सड़क बने ही पुलिया निर्माण कार्य कैसे और क्यों कराया गया यह लोग नहीं समझ सके। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस पुलिया का निर्माण कार्य यहाँ कराया गया है वह भी एस्टीमेट के अनुसार ठीक तरीके से नहीं बनाया गया। उतर के क्यों जा रहे हैं? रोड ही खराब है, इस पर चढ़ा नहीं जा रहा है, देख रहे हैं अप्रोच पूरा धंसा हुआ है। ये कौन सा पुलिया है? ये नूनफारा लक्ष्मी नारायण मंदिर से जारंग वाले गोदनपट्टी वाले रोड में मिलने वाले रोड। ये कब बना है पुलिया? ये 6 महीना लमसम हो गया है। 6 महीना में पुलिया टूट गया जी। बड़ी परेशानी होती है आप लोगों का आने जाने? बहुत परेशानी होता है, कोई गाड़ी घोड़ा जाता नहीं है, साइकिल से चढ़ने में इतना परेशानी है। ये तो रोड दिखता नहीं है, तो फिर इसमें पुल कैसे बन गया पुलिया? ये तो पंचायत समिति का वो फंड था, कैसे बना वो वही लोग जानेंगे। किस पंचायत में आता है? ये नूनफारा पंचायत में है। आप ग्रामीण हैं जी, तो आप लोगों को तो बहुत परेशानी होती है इसमें जाने में। परेशानी है, ये रोड बाधित ही है, हम लोग को घूम के जाना पड़ता है कभी। हमको तो लगता है इस पुलिया के बनने से पहले आप लोग बेहतर तरीके से जाते रहे होंगे। तो ग्रामीणों का ऐतराज नहीं हुआ कि भाई क्यों बन रहा है पुल? ये बना के जो 10 दिन के बाद गए, 10 दिन के बाद ये धंस गया, फिर बोलने पे बोला गया कि कराएंगे, अभी तक कोई सुना नहीं। क्या नाम हुआ आपका? पुरुषोत्तम कुमार। ये जो जहाँ पुल बना है ये कौन सा जगह है? ये नूनफारा डी। नूनफारा डी। निर्माण कार्य के समय में ही जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अभिकर्ता से इस मामले को ग्रामीणों के द्वारा रखा गया था, तब गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का आश्वासन देकर काम कराए गए थे, लेकिन निर्माण के कुछ महीनों बाद से ही यह बेफायदा साबित होने लगा और गांव वाले तब से ठगा महसूस कर रहे हैं, लिहाजा इस बात को लेकर ग्रामीणों में गहरी नाराजगी है। ग्रामीणों का बताना है कि योजना का एस्टीमेट बोर्ड भी यहां लगा दिए गए हैं, जिसमें नूनफारा डीह के पास पुलिया निर्माण कार्य की बात अंकित है, लेकिन योजना राशि का डिटेल्स इसमें अंकित नहीं है। बहरहाल ग्रामीण यह सवाल उठा रहे हैं कि जब कोई भी योजना कार्य जनउपयोगी नहीं साबित हो रहा है तो उसे करने की जरूरत भला क्यों थी? ऐसे में जब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहे हैं तो अधिकारियों के द्वारा योजना और राशि निकासी की स्वीकृति कैसे दी जा रही है? ज्ञात हो कि नूनफारा लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास इस पुलिया का निर्माण कार्य कराया गया है, जिससे चौर से होकर यह सड़क लोहबंदरा पथ में भी मिलती है, हालांकि यह पथ वर्तमान में अपूर्ण है, जिसके निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है।